दांतों की गैप को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस फ्रेंड्स होते हैं, जिसमें से बड़ी पॉपुलर और कॉमन ट्रीटमेंट हैं विनियर्स और ब्रेसेस। जी हाँ, विनियर्स जो रहते हैं थिन शेल्स रहते हैं पोर्सलिन के बने हुए, जो कि फ्रंट सरफेस पे लगा दिए जाते हैं दांतों के और ये गैप को ट्रीट कर सकते हैं। और ब्रेसेस तो हमने सुन ही रखे हैं, ब्रेसेस जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस हैं और जो इनविजिबल ब्रेसेस हैं, दोनों ही हमारे टूथ को मूव करा के गैप को ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम कैसे समझें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है, किससे ट्रीटमेंट कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रहेगा, लॉन्ग टर्म स्टेबल रहेगा ट्रीटमेंट हमारा और क्विक जल्दी आसानी से ट्रीटमेंट होगा। तो इन दोनों ही ट्रीटमेंट को विनियर वर्सेस ब्रेसेस इस वीडियो में आज हम कंपेयर करने वाले हैं दांतों की गैप के करेक्शन के लिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित और हम बात कर रहे हैं विनियर वर्सेस ब्रेसेस दांतों के गैप करेक्शन की। देखिए, इन दोनों चीज़ों को हम 5-6 अलग अलग पॉइंट्स पे कंपेयर करेंगे, जिसमें कि फिर आप अपने आप को खुद रख करके देख पाएंगे कि आपको किस में क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको किस ट्रीटमेंट के साथ जाना चाहिए ये डिसाइड करने में आपको बहुत हेल्प इससे मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर गैप है किसी के मुँह में तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कौन सा है, विनियर है या ब्रेसेस है। ठीक है, दोनों ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हैं। विनियर भी अगर अच्छे से किया जाए तो एक लॉन्ग टर्म अच्छा रिजल्ट देता है और अच्छे से गैप्स उससे ट्रीट हो जाती हैं, कोई गैप नहीं बचती हैं। और ब्रेसेस भी सक्सेसफुल है, ब्रेसेस हम दांतों को मूव करा के गैप खत्म कर देते हैं, शिफ्ट करते हैं दांतों को तो गैप खत्म हो जाती है। तो दोनों ही अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। विनियर जो रहता है वो एक वन शॉट ट्रीटमेंट होता है। विनियर में हम दांतों को आगे से प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करके उसके ऊपर विनियर एक थिन पोर्सलिन का शेल जैसा होता है, लेमिनेशन जैसा होता है दांत के ऊपर लगने वाला, जो कि कस्टमाइज रहेगा। आप अपना ये दांतों का प्रिपरेशन कराएंगे, आपका इंप्रेशन यानी कि नाप लिया जाएगा और वो बनेगा, बन करके जब आएगा तो उसे सीमेंट से आपके दांत के फ्रंट सरफेस पे प्लेस कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा। तो विनियर जो है वो बस आपने आज आप आए, आपके डॉक्टर से बात हुई, प्लानिंग डिस्कस हुई, आप जो समझना चाहते थे आपने समझा, दांतों की प्रिपरेशन की गई, नाप लिया गया और बनने भेजा, बन के आया, लगा दिया। दो बार आपको डॉक्टर क्लिनिक जाना है, एक बार नाप देने के लिए जाना है, एक बार लगवाने के लिए जाना है, दैट्स इट, विनियर का ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। दिस इज अ वन शॉट ट्रीटमेंट, इसमें लंबे समय तक करते रहना ऐसा कुछ भी नहीं है। बनिस्बत इसके ब्रेसेस में दोस्तों ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा लंबा है। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट मतलब महीनों लग जाते हैं, साल भर भी हो जाता है, उससे ऊपर भी चला जाता है। तो ब्रेसेस जो रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस इट रिक्वायर्स फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों का ट्रीटमेंट ये होता है, जहाँ पे निरंतर आपको हर महीने अपने डॉक्टर के यहाँ विजिट करना पड़ता है और आपको ब्रेसेस तो फिजिकली आपके मुँह में हमेशा ही लगा करके रखना पड़ते हैं, चाहे वो नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रेसेस हों या फिर वो इनविजिबल ब्रेसेस हों, दोनों में लंबा समय लगता है। तो ड्यूरेशन, अगर आपको रिजल्ट क्विक चाहिए तो विनियर इज द आंसर, अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ब्रेसेस भी आपके लिए एक ऑप्शन अभी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको दांतों में गैप करेक्शन के साथ साथ दूसरे पॉइंट भी कवर करने और सुंदरता चाहिए, जैसे कि अगर आपके दांतों को आपको उनका कलर भी अच्छा करना है, आप चाहते हैं कि अच्छा शेड उनका ले लिया जाए, वाइट अच्छे सुंदर दांत हो जाए जो अभी उस कलर के नहीं हैं, या फिर आप चाहते हैं कि उनका शेप ठीक हो जाए, वो चिप्ड हैं, थोड़े टूट रहे हैं या राउंडेड से आपको अच्छे नहीं लगते, आप चाहते हो थोड़ा और स्मार्ट शेप उनका होना चाहिए, मॉडर्न स्माइल आपकी होना चाहिए, तो शेप भी करेक्ट करना है और शेड यानी कलर भी करेक्ट करना है, तो ये काम ब्रेसेस से नहीं हो सकता। ब्रेसेस आपके दांत जैसे हैं, जिस कलर के हैं, जिस शेप के हैं, वैसे ही रखेगा। ब्रेसेस सिर्फ उसको पास में लाने का काम करेंगे और गैप को भरने का काम करेंगे। ब्रेसेस सिर्फ दांत को हिला सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, उनका कलर और शेप नहीं बदल सकते हैं। और अगर हम विनियर को देखें तो विनियर दांत को हिला तो नहीं सकते, लेकिन हम मनचाहा शेप, साइज और कलर उसमें दे सकते हैं। तो अगर हमें कलर भी करेक्ट करना है और अगर हमें उसका शेप करेक्ट करना है तो फिर हमें विनियर के साथ जाना है, ब्रेसेस हमारे लिए फिर उतना फायदेमंद नहीं साबित होगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके दांतों में गैप कितनी है। देखिए, अगर दांतों में गैप थोड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए कि सेंटर में भी है, थोड़ा साइड में भी है, लेकिन वो ठीक ठाक है, आपको लगता है कि यहाँ गैप है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक ठाक गैप है,
तो फिर आप विनियर से वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुली करा सकते हैं। बेसिकली देखिए, विनियर जब दांतों की गैप को भरेगा तो दांत थोड़े से ब्रॉड बनाए जाएंगे, जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। देखिए पहले ये फोटो देखिए, इस स्माइल में क्या आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है? नहीं आती है। ये एक अच्छी बैलेंस्ड स्माइल है, सुंदर वाइट दांत है और अच्छे शेप में भी है। तो ये स्माइल जो है ये ठीक दिख रही है हमें, बैलेंस दिख रही है, इसमें कोई डिसप्रोपोर्शनेट या अबनॉर्मलिटी हमें नहीं दिख रही है, कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा है। अब आप इनका ट्रीटमेंट का पहले का फोटो देखिए। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस गैप को ट्रीट किया गया है, भर दिया गया है और एक दांत जो कि डिसकलर्ड दिख रहा है, जिसका कलर खराब है, उसको भी यहाँ पर एड्रेस किया गया है। कैसे? विनियर्स द्वारा। तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि स्माइल तो विनियर के ट्रीटमेंट के बाद अच्छी हो गई है, लेकिन दांत पहले की तुलना में थोड़े से चौड़े हो गए हैं, थोड़े ब्रॉड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम थोड़े ब्रॉड बनाएंगे, चौड़ा बनाएंगे, तभी तो उस गैप को करेक्ट कर पाएंगे ना, तभी तो वो गैप को भर पाएंगे ना। अगर वो चौड़ा ही नहीं बनेगा, जितना दांत है उतना ही बन जाएगा, तो फिर गैप वैसे ही रह जाएगी, तो ट्रीटमेंट का मतलब ही नहीं निकलेगा। ऐसा हम नहीं चाहते, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें दांत को वाइड, ब्रॉड, चौड़ा बनाना पड़ता है। अब आप सोचें कि अगर किसी के दांत में गैप बहुत ज़्यादा होगी तो फिर वो विनियर जो बन रहे हैं उनको उतना चौड़ा बनाना पड़ेगा। तो जब बहुत चौड़े चौड़े दांत बन जाएंगे तो वो फिर उतने खूबसूरत नहीं दिखेंगे, जिसके लिए कि हम ट्रीटमेंट कराने गए हैं। तो अगर आपके दांतों में गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो फिर बेटर है आप ब्रेसेस से ट्रीटमेंट कराएं। तो ब्रेसेस आपके दांतों को चौड़ा नहीं बनाएंगे, वो उन्हें शिफ्ट करके पास लेकर के आएंगे। तो दांतों में गैप कितनी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना चाहिए आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के पहले। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो दोनों में ही एज सच कोई लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस बहुत भारी नहीं है। विनियर भी अगर अच्छे से लग जाते हैं तो लंबे समय आपका साथ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतने हाईली ग्लेज्ड वो पोर्सलिन होता है, मटेरियल होता है, इतना पॉलिश्ड मटेरियल होता है कि वो कभी स्टेन नहीं होता, उस पर कोई दाग धब्बे नहीं लगते हैं, वो ईजिली क्लीन हो जाता है और वैसा ही बरकरार रहता है। ब्रेसेस में भी एज सच कोई लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस नहीं है। आपने ट्रीटमेंट पूरा करा लिया है, आपके दांत सही पोजिशन पर आ गए हैं, तो अब आपको उसमें कुछ नहीं करना है, वो वैसे ही मेंटेन रहेंगे। तो ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको समझाए कि अगर आपको गैप करेक्ट करना है तो आप इन इन क्राइटेरिया को देखें और आप अपने आप को उसमें रख करके देखें, फिर आप खुद ही तय कर पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि गैप बहुत ज़्यादा है तो ब्रेसेस के साथ जाएं, अगर आपको शेप और साइज और कलर करेक्शन की भी ज़रूरत लगती है तो विनियर के साथ जाएं। आपको लगता है कि आपके घर में कोई फंक्शन है, आपकी शादी है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आप इतना वेट नहीं कर सकते कुछ महीने का या साल भर का, तो आप विनियर के साथ जाएं। तो इन सिचुएशंस में आप जब अपने आप को के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छा है। अगर इससे जुड़ी और भी कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बेशक आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।